तुमने शराब पी या टॉक? हाँ मैंने शराब पी है और मैं करती भी क्या आप है? तुम तो मुझे इग्नोर किए जा रहे थे। कब से कह रही थी अब आई एम सॉरी अब आई एम सॉरी, लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया। चलो माफ कर दिया। ओके मैं माफ कर दिया। ऐसे कोई भला माफ करता है क्या? तो फिर कैसे करते हैं? छोड़ो उससे मैं कहती हूँ, ऐसे कोई कहता है क्या? तो फिर कैसे कहते हैं? प्यार से मुझे हग करके कहो कि कुसुम माय डार्लिंग मैंने माफ कर दिया। देखो कुसुम, हाँ मैं तो ऐसे कर रहा था, तुम भी तो गुस्से में नाराज होकर मुझे ऐसे बिहेव करती हो ना। तुमने माफ कर दिया? हाँ। तुमने माफ कर दिया? अबे आज की बात हम दोनों के बीच और कोई नहीं आ सकता। ओके क्योंकि मैं अपने प्यार को बांट नहीं सकती। हम दोनों रहेंगे अपने प्यार की दुनिया में, मैं और तुम। और एक बात है, हम दोनों के बीच बस एक ही आ सकता है, एक ही इंसान आ सकता है, वो है हमारा प्यारा सा बच्चा। अब है तुम्हें बताए, मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ, वो यहाँ, तुम यहाँ से होगी, मैं यहाँ, और बीच में हमारा बच्चा, और हम पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे। जब वो रोएगा ना तो मैं उसे चुप करा लूंगी, लेकिन जब रात को वो तंग करेगा तो तुम्हें भी संभालना होगा, मैं अपनी नींद नहीं खराब करने वाली हूँ। अबे हाँ बोलो ना, अबे हाँ या ना बोलो ना। अबे किससे बात कर रहे हैं? अब है मेरा सर दुख रहा है और अजीब सी फीलिंग हो रही है। हैंगओवर का इफेक्ट है, कल रात को तुमने काफी शराब पी थी। मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाया, आप पड़े उसे पी लो। नहीं नहीं अभय,
नहीं एक्चुअली क्या हुआ था ना, आर्यमन ने मुझ पे थोड़ी सी विस्की छिड़की थी ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने शराब पी। नहीं कुसुम, एक्चुअली तुमने कोक की जगह विस्की का ग्लास उठा लिया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं की ना? उल्टी सीधी बातें तो काफी की थी, तुम जानना चाहोगी? तुम सॉरी बात, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बार बार ये कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो मुझे तुम्हें किस तरह नींबू पानी पी बिल्कुल बेहतर। आप काफी देर तक मोबाइल में बात कर रहे थे ना? रात को फोन पर? नहीं तो कुछ आई थिंक यू इमेजिन। नहीं नहीं अभय, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आपको देखा था। कुसुम, एक्चुअली तुमने ड्रिंक पहली बार की है ना, तो लगता है ये हैंगओवर का इफेक्ट है, तुम्हें कुछ याद नहीं। सॉरी, आई जस्ट कम। आपने मुझसे झूठ कहा। I'm sure, आप किसी से बात कर रहे थे। नहीं नहीं अरुंधति, जो तुम बोल रहे हो नहीं, I'm not at all responsible. Good morning Abhay, good morning Kusum, good morning भाभी, good morning भाई साहब। डैडी, आपने ये खबर पढ़ी? ये देखिए यहाँ पर। क्या हुआ? ऐसी क्या खबर है न्यूज़पेपर में? हमारे शॉपिंग प्लाजा के सामने जो जमीन है ना, वो खाली पड़ी है, उसी की ऑक्शन का नोटिस है ये। हाँ तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चाची, इस जमीन पर जो कुछ भी आएगा उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे होगा, इट्स बाउंड टू अफेक्ट अस। इस वक्त वहाँ एक फैक्ट्री का शेड है, मेरे ख्याल से वो फैक्ट्री काफी टाइम से बंद है। हाँ, उन पर कोई केस चल रहा है, काफी घाटा किया उस कंपनी ने, बैंक लोन, आईटी, कुछ भी नहीं कर पाए वो लोग, और इसलिए सरकार ने उस कंपनी को सीज कर लिया है। मेरे ख्याल से हमें ये ऑक्शन अटेंड करनी चाहिए। राइट, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, फिर भी ऑक्शन के बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। देखिए, आपको जो भी करना हो सोच समझ के करिएगा, ऐसा ना हो कोई नया प्रॉब्लम ही शुरू हो जाए। तुम इनकम टैक्स ऑफिस गए ना? क्या इनकम टैक्स ऑफिस गए थे? हाँ गया था। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने पैसों के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिए और वो पैसे छुड़ा कर वापस ले आया। वाओ, तो वो पैसे कहाँ हैं? तुमसे मतलब? अरे मुझसे नहीं तो और किससे मतलब होगा लाली, वो पैसे मेरे हैं। तुम्हारे पैसे कैसे हो सकते हैं? सबके सामने तुमने तो कह दिया वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं। वो पैसे मैंने सुपरवाइज बनाकर अपने अकाउंट में डाल दिए हैं, अब वो पैसे मेरे हैं। तुमने ऑफिशियल से क्या कहा? मैंने कह दिया कुसुम के किडनैपर्स के लिए रैंसम का अरेंजमेंट किया था हमने, तो शिवानी के बैंक से हमने विड्रॉ किया, वो वापस देने वाले थे। ऑफिशियल्स ने शिवानी से ये बात कंफर्म कर ली, वो पैसे मुझे लौटा दिए। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। सो सोहन तुम्हारे साथ गया था? कहाँ है वो? अजीब माँ हो तुम, पहले पैसों के बारे में पूछती है, उसके बाद बेटे के बारे में। अगर पहले बेटे के बारे में पूछती तो अच्छा लगता मुझे। सोहन कहाँ है? शिवानी के घर खेलते खेलते सो गया है। तो उसे लेते आते ना? अरे तुम्हें तो पता है वो मेरे बिना सोता नहीं है, कभी रात को जाग गया तो, और सुबह स्कूल जाना है उसे। शिवानी सोहन के लिए स्ट्रेंजर नहीं है, एंड डोंट, तुम्हारी एक तस्वीर मैं सोहन के पास छोड़ आया, अगर रात को जाग जाएगा तो तस्वीर देखकर सो जाएगा, और शिवानी रिस्पॉन्सिबल औरत है, स्कूल के टाइम से पहले वो सोहन को यहाँ छोड़ आएगी, समझी? ये तो वही नंबर है जिसे कल रात अभय के मोबाइल पे फोन आया था। हेलो कुसुम, ईशा बोल रही हूँ। ईशा, ये तुम्हारा नंबर है? बाबा ये नंबर मेरा ही है, नया है, अभी अभी दिया है, तीन चार लोगों को ही नंबर दिया है। अभय ने बताया नहीं तुम्हें? अभय कहाँ?
वो बाथरूम में। बाहर निकले तो उसे बोलना कि मैंने अजय को प्लॉट के ऑप्शन डिटेल्स दे दिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अबे, ईशा का फोन आया था। आपने मुझे बताया नहीं कि उसका नंबर चेंज हो गया? उसका न्यू नंबर। सॉरी, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तुम तो जानती हो आजकल मैं चीजें बोल रहा हूँ। खाने के लिए आ गए? खाना आते ठीक ठीक अच्छा। भाई साहब, बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन थी आपकी शॉपिंग प्लाजा के सामने वाले प्लॉट के बारे में। उस कंपनी में भारी नुकसान हुआ था, गवर्नमेंट ने रिसीवर भी बैठा है, परसों ऑक्शन है और मिनिमम बिडिंग 8 करोड़ से शुरू होगा। ये कह रहे हैं आप चाचा जी, सिर्फ 8 करोड़ रुपए? मेरे हिसाब से तो हमें प्लॉट इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए। क्या कसम, क्या ख्याल है तुम्हारा? कसम, मैंने कुछ कहा? हाँ, 8 करोड़ की डील अच्छी डील है। वी शुड गो अहेड। अच्छा, एक नया शॉपिंग प्लाजा बनाने का विचार है क्या? और वो जो पुराने वाले हैं वो सब बिक जाएंगे? चाची, हमारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है। और आप देखना, एक बार न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो हमारी सारी शॉप्स कैसे बिकती हैं। मेरे ख्याल से तो हमें इस प्रॉपर्टी को हर हाल में खरीद लेना चाहिए। भाई साहब, सच कहो तो मुझे ये वेंचर बहुत ही रिस्की लगता है। हमारा शॉपिंग प्लाजा हमारी खुद की जमीन पर बना हुआ है, इसलिए उसमें प्रॉफिट है, मगर ये प्रोजेक्ट तो पहले ही 8-10 करोड़ रुपया मांग रहा है। लेकिन चाचा जी, इसमें भी बहुत प्रॉफिट है। अभय, मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन चाचा जी, एक बार प्लीज, जो भी स्पेसिफिक प्लान है ना, उसे समझा कर चाचा जी को बताइए। इसमें आर्ग्यूमेंट करने की क्या बात है? कुसुम ठीक कह रही है, जब भी कोई नया काम शुरू करो उसमें सबकी सहमति होना बहुत जरूरी है। कुसुम, तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? लेकिन तुम्हें आराम करना चाहिए कुसुम। अभय प्लीज, सिर्फ 4 घंटे, आई प्रॉमिस। देखिए ना अभय, घर बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, प्लीज। देखो कुसुम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम काम में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हो कि 4 घंटे के कब 6 हो जाते हैं, कब 8, तुम्हें पता नहीं चलता। ओके, आई प्रॉमिस ओनली 4 आवर्स। ओके ओके, ये लीजिए। ये क्या है? ये वो प्रपोज प्लान है जो आप कल चाचू के साथ डिस्कस कर रहे थे। मैंने सोचा ये देखते ही चाचू कन्विंस हो जाए। अच्छा, तो सुबह सुबह जल्दी उठकर ये काम आ रहा था। हेलो, हाँ मामू, मैंने तो नहीं आप। हेलो मामू, हाँ बस पहुंचने वाले हम। ओके बाय। अब मैंने ईशा और अजय मामू को ऑफिस बुलाया है, देखते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं। हो सकता है उनकी सजेशन से चाचू कन्विंस हो जाए। थैंक्स। सोहन, सोहन बेटा कहाँ थे तुम? तुम्हारे से दूर थे पूरी रात। आई मिस्ड यू। तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, लेट हो गए हो तुम। जाओ जाकर अपनी यूनिफॉर्म पहन। शिवानी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुमने पैसे मुझे ललित के लिए दिए, सोहन के लिए नहीं। और मैं देख रही हूँ कि तुम सोहन को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। निकिता, अगर ऐसी ही बात है तो मैं सोहन की भी कीमत दे देती हूँ। What do you say? मेरी 3rd इंस्टॉलमेंट कब दे रही हो? जब मांगोगी भिजवा दूंगी। सोहन बेटा, यूनिफॉर्म पहन ली। Lalit, good morning. Morning, Shivani. How are you? I'm fine. How are you? Good. Lalit, मैंने सुना है तुम्हारे शॉपिंग प्लाजा के बगल में जो प्रॉपर्टी है उसका ऑक्शन होने वाला है। Is that true? बिल्कुल सही सुना है। अच्छा, actually Lalit, मैं उस प्रॉपर्टी को लेने में काफी इंटरेस्टेड हूँ। मैं अपनी बैंक का हेड ऑफिस वहीं पर बनाना चाहती हूँ। What do you say? You have a bad idea. All the best. Thanks. वैसे अभय भी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है।
Really? ऑक्शन में मिलते हैं। इट्स ओके ललित, अगर तुम लोग इस प्रॉपर्टी में इतने इंटरेस्टेड हो तो मैं ही पीछे हट जाती हूँ, कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं कपूर फैमिली के सामने कैसे आ सकती हूँ? बाय। Hello. How are you? I'm good, Mr. Singhania. कैसे हो आप? Excuse me. Sure. Kusum? Kusum, you haven't met Shivani, right? Shivani, this is Kusum. Kusum, this is Shivani. Excuse Hi. me. Hi. Yeah. तो आप भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं? Not at all. जब तक कपूर्स इंटरेस्टेड हैं तब तक तुम्हें, उसके बाद जरूर सोचूंगी. Okay. Ladies and gentlemen, please take your seats. Thank you. I welcome you all for today's auction. As you all are having the catalog with you, usme is property ke sare details maujood hai, like area, location and other details. So ab hum is auction ki shuruaat karte hain. 8 crore 10 lakh. 8 crore 10 lakh. 8 crore 25 lakh. 8 crore 25 lakh. 8 crore 50. 8 crore 50 lakh. 8 crore 50 lakh. 1. 8 crore 60 lakh. Good. 8 crore 60 lakh. 8 crore 60 lakh. 1. 8 crore 60 lakh. 2. 9 crore. 9 crore. 9 crore. 1. 9 crore. 2. 10 crore. 10 crore 2 11 crore. 12 crore. 15 crore. 15 crore. 15 crore 2. 20 crore. 20 crore 1 20 crore 2 और 20 crore 3. ये प्रॉपर्टी ऊर्जा इंडस्ट्रीज के नैना बजाज को बेची जाती है। अजनबी ना हूँ।